मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी वीडियो की शुरुआत इस पुल से हो रही है। चलते चलते आपको दिख रहा होगा वेवी हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड वी आर गोइंग टू ड्रीम विलेज कैफे फॉर द ब्रेकफास्ट। 00 पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं इस कार से। बस सामने है नीचे। ये पहाड़ की वजह से इस जगह की खूबसूरती बहुत ज्यादा है। बहुत ब्यूटीफुल। और इस जगह का प्लस पॉइंट क्या है पता है? अभी डैम वो है, वो आएगा। ये भी प्रॉपर्टी है। देखो ये वाओ, ये ड्रीम विलेज। व्हिच वन? ये हां जाना। अच्छा दिस वन। ये हमने कहां जाना है? ये ऐसे पूरा पार करो। वाओ, ये कपल पूरा ड्रीम। ओ ये पानी तक ये देखो ना, ये भी निशान में। हाँ ले लो अंदर नीचे। वो भी प्रॉपर्टी है यार। कहाँ को जाना है अपने को? ये ऐसे अंदर। अच्छा, सो फाइनली रीच्ड थोड़े से धक्के के बाद। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अभी देखना पड़ेगा लेकिन गाड़ी को ना, फिर भी मैंने बताया ना लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। नहीं ये कुछ ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो अटक ही गया। Guys, finally we have reached Dream Village. Look at the view here. वो पास भाई जा रहे हैं। That's what the view is. Look there. इतना clear water है, इतना clear water है कि अंदर के स्टोर तक दिख। So this is Dream Village, naturally made, and बहुत beautiful property है। यहाँ कहते हैं कि सनी देओल एंड बॉबी देओल वगैरह आते हैं। साथ में वो सामने वाटरफॉल भी जा रहा है। पूरी प्रॉपर्टी इसी की है, ड्रीम विलेज। दैट्स व्हाट द प्रॉपर्टी इज। ऊपर भी स्पेस है, हमारी कार वहाँ सामने खड़ी है। एंड ऊपर भी स्पेस है तो हम ऊपर जा रहे हैं। कैंपिंग, ट्रैकिंग, बॉनफायर, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। प्रॉपर्टी है ना, ये बिल्कुल वैली के बीचों बीच है। 360 डिग्री व्यू है। पूरा ट्रैक और ये पूरी ना एक ही प्रॉपर्टी है। उसी के अंदर आपको कैंपिंग, रैपलिंग, जिप लाइनिंग, अरे पूरा एक ही प्रॉपर्टी है। एंड जो नेचर लवर है वही लोग हैं, तो इस प्रॉपर्टी को गंदा ना करें। ये देखो समथिंग न्यू। Wow, look at the view. The
वाटर। रिवर क्रॉसिंग में आप करते हैं? प्रॉपर्टी यहाँ से आप लोग वाटर को भी एक्सेस कर सकते हैं थोड़ा सा स्टे तक जाने के लिए, और ये पीछे पूरी प्रॉपर्टी है, वो ब्रिज है, और ये जो है बजाज विलेज में, बजाज विलेज में पड़ता है, ड्रीम विलेज। गूगल पे सर्च करेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर पहुँचा देगा। तो आपको बेसिकली शनाक को क्रॉस करते हुए बजाज विलेज आना है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज रियली ब्यूटीफुल, डू नॉट स्पॉइल इट व्हेन यू कम ओवर हियर। इसके अंदर जो भी आए वो नेचर लवर है, प्लीज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। मनाली में बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, इसमें आप जाके इंजॉय कर सकते हो। ये जो पीछे आप देख रहे हैं स्ट्रीम, दिस इज फ्रॉम कथरनी वाटरफॉल, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट ट्रैक बट वेरी डेंजरस, बिकॉज वहाँ का जो चलने का रास्ता है दैट इज हार्डली अराउंड 1.5 feet वाइड। तो नीड टू गो विद द प्रोफेशनल्स। वहाँ पर आप रात तक रुकें, रुकने के बाद अपना नीचे को आए नेक्स्ट डे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मनाली कैनॉट बी एक्सप्लोर्ड इन 4 to 5 days, ऑनेस्टली 4 to 5 days में मनाली को आप एक्सेस नहीं कर सकते। यू नीड टाइम, यू नीड पेशेंस, क्योंकि वेदर भी कभी प्लस कभी माइनस, जैसे कि आज का वेदर है वो क्लाउडी हुआ पड़ा। ड्रीम विलेज की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर काफ़ी सेलेब्स भी आए हुए हैं, लाइक सनी देओल अपनी फैमिली के साथ आते हैं, एंड दीपिका पादुकोण एट द टाइम ऑफ ये जवानी या दीवानी यहाँ पर आए थे वो लोग। मैनी स्टोरीज अबाउट मनाली, मैनी स्टोरीज। आप आओ, यहाँ के लोकल से मिलो, लोकल आपको बहुत सारी स्टोरीज बताएंगे, और साथ साथ नेचर को इन्जॉय करते रहो। लुक एट इट, लुक एट इट, लुक एट इट। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ देखो, आप जहाँ जहाँ नजर आ रही है उसको देखो, जहाँ जहाँ।
पल्लों का ड्रीम विलेज से जा रहे हैं और टाइम 1 बज गया यार, तो लंच का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मॉल रोड नाउ, तो हम लोग मॉल रोड पे जा रहे हैं। अब मॉल रोड पे जाके अपन लोग लंच करेंगे। सो बाय ड्रीम विलेज, बाय। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ओनली नेचर लवर्स शुड कम ओवर हियर, नो वन एल्स। डिम्बा आ गए थे और हिडिम्बा में यहाँ पर है फास्ट फूड कॉर्नर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हिडिम्बा एंट्रेंस। दिस इज हिडिम्बा एंट्रेंस और इसके जस्ट सामने ये फास्ट फूड कॉर्नर है। इनके मोमोज बहुत टेस्टी हैं, हमने अभी खाए हैं, तो मैंने मुझे लगा कि मैं आपको इनसे मिलवाऊं। तो आप इनसे मिलिए, ये हैं यहाँ पर सोनू दीदी, सुमन दीदी, राइट करेक्ट। तो अब यहाँ पर मेरी छोटी सी बेटी, ये छोटी सी बेबी है इनकी ये इनके हस्बैंड हैं। हाय। सो यहाँ पर आए और यहाँ पर इनके मोमोज बहुत टेस्टी हैं, तंदूरी वाले मोमोज एंड राजमा चावल, किचन इज़ वेरी क्लीन, चिली मोमोज, ऑल सॉर्ट ऑफ मोमोज यहाँ पर जो हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। सो वेन एवर यू कम प्लीज डू विजिट दिस प्लेस, दीज आर दी मेन्यू। सो गाइस, दिस इज हिडिम्बा टेम्पल का ट्रैक एंड देयर यू कैन सी द हिडिम्बा टेम्पल। हिडिम्बा टेम्पल हम जा रहे हैं अभी, तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं। स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, गूगल कर लो यार, हर बार स्टोरी बताना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट गूगल हिडिम्बा टेम्पल स्टोरी, व्हाट इज़ दी हिस्ट्री बिहाइंड इट, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। स्टोरी देखने का तो मैं एक बार पिक्चर डाल देता हूँ स्टोरी का, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत अच्छा प्लेस है, जंगल्स, ट्रीज, बिग बिग ट्रीज, देवदार के, दैट्स व्हाट द प्लेस इज ऑल अबाउट, दैट्स द मंदिर। वन विहार हिडिम्बा टेम्पल के जस्ट पीछे, हिडिम्बा टेम्पल और ये रहा वन विहार, डूंगरी वन विहार। पार्क है यहाँ पर खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए। दिस इज द एंट्री टिकट, मॉर्निंग समर ओपन 9 AM to 5 PM, विंटर्स आल्सो 9 AM to 5 PM, 10 rupees बढ़ेगी और 5 rupees छुटेगी। ए वेट, मैं लेता रहा यार। विहार है पार्क, एंड दैट्स द बिग टॉल देवदार ट्रीज, जस्ट लुक एट दैट, वे ह्यूज। प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, खेलो कूदो, थोड़ा सा टाइम पास कर लो, रिलैक्स कर लो, मंदिर आए हो तो यहाँ पर भी आ सकते। स्मॉल छोटे छोटे ट्रैक्स बने हुए हैं, जैसे एक मैं चल रहा हूँ नीचे है ये रहा, उसके आगे और ट्रैक है जिसमें मैं चल रहा हूँ ये रहा, एंड दैट्स स्मॉल जूस बार और कैफे टाइप्स, चाट पापड़ी खानी खा लो। सो गाइस, आज का हमारा मेन व्लॉग में जस्ट अ स्मॉल ब्रीफिंग,
हम पहले गए थे ड्रीम विलेज के बाद अपन लोग आए हिडिंबा टेम्पल। आज का व्लॉग इतना ही था और ड्रीम विलेज आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो जिसको अच्छा लगा उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए हम बाय करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर। बाय।